क्या कहेंगे आज के इधर? आज एबीसी फ्राइड किचन का जो ओपनिंग हुआ इफ्तिता बाद असर के, और इसके अंदर बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सारी चीज़ अच्छी है। और इससे बेस्ट, सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ साफ़ सफाई बहुत है और क्वालिटी एक नंबर की रहेगी। और इसके अंदर यहाँ जो भी लोग हैं तो यहाँ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, और जो भी यंग बच्चे आके टेस्ट करना है, रेट एकदम हिसाब से और क्वालिटी एक नंबर है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आके एक बार तो भी टेस्ट चेक करें। और बप्पू भाई, अबरार भाई, ये लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमित, सैयद अमित। आज मैं एबीसी फ्राइड किचन के पर ओपनिंग के ज़रिए से मैं आया हूँ। मैं सोहेल भाई को और बब्बू भाई को, फैसल भाई को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह हमारे महल के इसके अंदर से बहुत अच्छा ये रिस्पांस उनको मिलेगा। यहाँ साफ सफाई का ये है तो जो क्वालिटी का बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ मिलेगा। मैं ये बात करके अपना ख़त्म कर लूँ। शुक्रिया खुदा। मोहम्मद अबरार एबीसी फ्राइड किचन से हूँ। हमारे पास जो क्वालिटी वगैरह मिलेंगी तो सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेंगी। हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी हमारा चीज़ें यूज़ करेंगे, हम सब अच्छी से अच्छी यूज़ करेंगे। और हमारे यहाँ पर आप एक बार विज़िट करें, हमारे पास सब रीजनेबल प्राइस में है। हमारे पास यहाँ पर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमोस और बहुत सारी वैरायटी वेज में भी मिलेंगी और नॉन वेज में भी मिलेंगी। तो आप एक बार विज़िट करें एबीसी फ्राइड किचन। और हमारे यहाँ पर हाइजीनिक फूड है, हमारे पास सफाई वगैरह सब कुछ है। और आप फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, नेहरू नगर, कटकड़ गेट, अपोजिट बाबा बेकर्स, तो विज़िट करें। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में नेहरू नगर कटकड़ गेट का परिसर इलाका है, देखिए। और पुलिस में इसके जो रोड जाता है वहाँ पर है, और ये इसका नाम है, देखिए, एबीसी फ्राइड किचन, ये नाम है। ये कोई एक उद्घाटन है, कोई शायद बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ख़ास तौर से एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, नौजवान है, ये नौजवान ने ख़ुद का रोज़गार जो है शुरू किया है। हमारे समाज में हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से, लेकिन काम धंधे नहीं करते हैं। मैं कितनी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो आगे बढ़े। इस्लाम में तिजारत की बहुत अहमियत है। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कीजिए। और अतराफ के जो लोग हैं जो शौक से जाते हैं कि भाई खुलदाबाद का भी दौलताबाद, ठीक है, आप जाइए, आपको मनाइयत नहीं है, लेकिन जब ऐसे नौजवान आपके शहर में, आपके गलियों में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका भी काम है कि एक टाइम यहाँ पर आके खाना और इस बंदे की मदद करना। क्योंकि बंदा मांग रहा नहीं है, ये मेहनत कर रहा है, इसके हाथ बटाइए, इनसे खरीदिए, ये इनसे खरीदेंगे दो पैसे मुनाफा कमाएंगे, ये भी आगे बढ़ेंगे। हिम्मत से काम कीजिए, आपका भी भला होगा, दुआएं भी मिलेंगी, आगे बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही पैगाम देना था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।